खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद में ग्राम कन्यापानी और जूनापानी के ग्रामीण मंगलवार को नल जल और सड़क निर्माण जैसी मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर कलेक्टर पहुंचे। यहां कलेक्टर से मुलाकात कर ग्रामीणों ने बताया कि जिस खारक बांध से खरगोन के लोगों की प्यास बुझाई जा रही है, उससे 2 किलोमीटर दूर रह रहे ग्रामवासियों के कंठ प्यासे हैं। उसी बांध से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे उनके गांवों में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। आसपास के गांवों में नल जल योजना से घरों तक पानी पहुंच चुका है, जबकि उनके गांव के लोग बांध से बर्तनों के सहारे पैदल या बैलगाड़ी से पानी लाने को मजबूर है। उसके अलावा धुलकोट पंचायत में 12 किलोमीटर की दूरी पर होकर गांव का पहुंच मार्ग बेहद जर्जर है। यह हालत है कि बीमार या गर्भवती महिलाओं को बैलगाड़ी से 3 किलोमीटर दूर लगाना पड़ता है, उसके बाद एम्बुलेंस या वाहन से अस्पताल तक पहुँचा जाता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत धुलकोट से कन्यापानी गांव है हमारा, कन्यापानी से आया सर। हम का जो डीजल उतना भर हो जाके लाग गए, हमारा गाँव में नहीं लागी। जो पानी को पीने की समीक्षा अभी गर्मी को टाइम आ रहे थे, खड़क नन को डैम है 2 किलोमीटर, वहाँ से पानी ला भी पीता है, घूर को वहाँ से पानी ला भी पियाता है हम, तो वही परेशान है हमारी। बाकी रूड धुलपुर से काबरी फाटाया से 9 किलोमीटर है, वहाँ से बैलगाड़ी से बीमार को लाना पड़ता, डिलेरी केस को वहाँ तो बैलगाड़ी से लाना पड़ता। हमारे बरसात में 3 डेड बॉडी हो गई डिलेरी को, बहुत तो रोड को परेशान है हम लोग। शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है हमारे को, कोई पार्टी वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा। गजन भाई घर घर देखा है, केदार भाई हमारे एक एक दो महीना में घर जाता है, बाकी उसी रूट पर उसी जाता, बाकी आज तक रूट को ध्यान नहीं दे रहा मुकाबले। अभी आप साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? साहब बता रहा कि अभी जो हम समीक्षा लेने आया, कल तुम वहाँ पर मुखा पर देखेगा, ये बता रहा सर। क्या नाम है आपका? भंगी डुडुए। सरपंच हो? नहीं, हम पब्लिक के हिसाब से है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।